कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदलाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा के मुठ्ठियां बांध के सभी जय घोष करें। पानी के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। उठाइए दोनों हाथ और आपकी जयघोष की आवाज इतनी दूर तक जानी चाहिए कि पूरे जौनपुर में एक एक गांव में एक एक क्षेत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि आज इस क्षेत्र से धर्म की, राष्ट्र की, भक्ति की और राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी तरंग निकली है कि जो पूरे जौनपुर को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को भक्तिमय, धर्ममय और राष्ट्रमय बनाएगी। दोनों हाथ उठा के जय घोष करेंगे और सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। ऐसा लगता है आप लोग भोजन भोजन करके नहीं आए हैं। हाँ, अपने उत्साह को, अपने जोश को और आगे बढ़ाइए और पूरे उत्साह के संग जोर से आप जय घोष करिए। कम से कम इतनी जोर से जय घोष होना चाहिए कि कोई भी विधर्मी मेरी आवाज को सुन रहा हो तो उसके कानों तक ये आवाज जाए और वो आपका जौनपुर क्षेत्र छोड़ करके भाग जाए। दोनों हाथ उठा के जय घोष करेंगे भारत माता की, माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। शांति रखिए भैया, भैया भैया शांति बनाए रखें। कृपया आपसे निवेदन है शांति बनाए रखें। ये धर्म रक्षा मंच पे आप लोग हैं, इसका इस मर्यादा को ध्यान में रखते रहें। मर्यादा तो कहीं बची नहीं है वैसे अभी भारत में। अगर मर्यादा होती तो आज भारत इतना बिखरा हुआ नहीं होता। और जिंदाबाद के नारे भगवान के की जय बोला करिए, है ना। ये राजनीतिक मंच नहीं है। रितेश भैया बहुत धर्मवान है, वो मेरी कथा में आते रहते हैं, उनको पता है और वो मेरे भाई हैं, मुझे उनसे बहुत प्रेम भी है। आपको शायद अभी ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, मर्यादा और मंच का ख्याल रखा करिए। आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। धर्म रक्षा मंच के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को वंदन करती हूँ। मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठगण, पूज्य महाराज जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आपको बता नहीं सकती मुझे जौनपुर आके कितनी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं शायद 10 साल के बाद यहाँ पे आ रही हूँ। मैं जब छोटी थी, 11-12 वर्ष की थी, तब मेरी यहाँ पे कथा हुई थी टाउन हॉल में, और उसके बाद पुनः मैं यहाँ पे आ रही हूँ। बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। समय दिया गया था 11 बजे से 3:30 बज रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को कहने के लिए आई हूँ या जो बताने के लिए आई हूँ, ये मत समझिएगा मैं कोई भाषण या कोई प्रवचन देने के लिए आप लोगों को आई हूँ। मैं आप सभी भाइयों से मिलने के लिए आई हूँ। भारत की एक वेदना है, भारत का एक दर्द है, आप सभी से वो दर्द बांटने के लिए आई हूँ। आज पूरी विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, भारत की शक्ति का नाम हर जगह पे है, परंतु भारत की शक्ति, भारत की एकता कहीं ना कहीं इतनी अलग अलग जगहों पे बिखर चुकी है, टूट चुकी है कि भारत किस ओर जा रहा है और आने वाले समय में भारत का भविष्य क्या है, कोई सोच ही नहीं पा रहा। परंतु समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, चाहे मीडिया को माध्यम कहे, चाहे आज के युवाओं को माध्यम कहे। आज की युवा शक्ति में इतना जोश है, इतना उत्साह है, इतना प्रेम है, इतना भाव है, इतनी बड़ी विचार शक्ति है। आज पूरे भारत के अधिकतर युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की संस्कृति को इतने उच्च स्तर पे लेकर के गए हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, लेकिन ये सब लोगों का
भाव है, भले वो सोशल मीडिया से जुड़े हो, लेकिन वो जुड़े भी राष्ट्र की भक्ति और एकता के कारण ही है। तो मैं आप सभी भाइयों से बस यही कहना चाहती हूँ, आज आप सभी को यही कहने के लिए आई हूँ कि आज अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है। भारत 10 वर्षों में बहुत आगे जा रहा है, परंतु उसके साथ साथ जो विधर्मी शक्तियां हैं, जो विधर्मी लोग हैं, उनकी भी शक्तियां कम नहीं है। विदेशों से पैसे आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेकर के भारत में अलग अलग प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं। कभी लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, भारत की संस्कृति पे कुठाराघात होता है, गौ हत्या होती है, भगवान श्री राम के जीवन पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर बनने पे रोक लगाई जाती है। आज जिस भारत में हम रहते हैं, हम हिंदू हैं, और भारत में रहने के बाद भी हमारा भारत में कोई आत्मसम्मान आत्म स्वाभिमान नहीं रह गया है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारी चुप्पी, हमारी शांति, हमारा मौन। और हमारा मौन हमें कहां तक ले जाएगा हमें पता ही नहीं चलता। मैं तो धन्यवाद करूंगी भगवान का, मेरे प्रभु गोविंद ने, मेरे प्रभु श्री राम ने बहुत बड़ी कृपा की है आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों पे, कि आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों को माननीय आदित्य योगीनाथ जी जैसा एक बहुत सुंदर संत जो सत्ता में बैठ करके राजनीति नहीं करते हैं, जो सत्ता में आकर के राज धर्म का पालन करके राष्ट्र को आगे की ओर लेकर के जा रहे हैं। कहते हैं मैं अपनी प्रसन्नता को जाहिर नहीं कर सकती, मैं कितनी प्रसन्न हूँ आज इतने वर्षों के बाद। मैं भारत के हर त्योहार का बड़ा सम्मान करती हूँ, बड़े धूमधाम से खुद भी मनाती हूँ, लोगों को भी प्रोत्साहित करती हूँ। और जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मत करो त्योहार में, फुलझड़ियां मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ, होली में पानी मत बहाओ, ये मत करो, तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि लोग पानी बहाने में और पटाखे फोड़ने में बड़ा इतना रोक क्यों लगा रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये जो पटाखे आज आप लोग फोड़ रहे हैं, इनकी वेस्टेज कर रहे हैं, अगर 60 से 70 साल पहले आपने ये पटाखे फोड़े होते तो आज पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता, वो भी भारत का ही अंग होता। तो आज तो सारी चीजों में वैसे ही हिंदुओं के ऊपर रोक लग रही है, लेकिन बड़े प्रसन्नता और गर्व से हृदय में आनंद लेते हुए ये बात कहूंगी कि पहली बार ऐसा लगा है कि उत्तर प्रदेश ने दिवाली का आनंद लिया है। अयोध्या में जो दीपावली मनाई गई है, मुझे नहीं लगता कि भूतकाल में कभी मनाई गई होगी, और भविष्य की तो बहुत सारी झलकियां भी बाकी है। कहते हैं ना कि अभी तो केवल झांकी है, ये केवल झांकी थी। इतनी बड़ी दीपावली, इतना सुंदर दीपोत्सव, मैं हृदय गदगद हो गया मेरा, मैं बहुत प्रसन्न हुई और बहुत आनंदित हुई। और मैं पूरा प्रयास करूंगी आज की सभा के बाद अयोध्या के दर्शन करने जाने के लिए, क्योंकि दीपावली के शुभ अवसर पे तो नहीं जा पाई, लेकिन आज मैं जरूर वहां के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। और इस दृश्य को देख करके ऐसा लगा, जैसे ही मैंने वो सारी चीजें देखी, वो फोटोग्राफ्स और वो सब देखे, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि कुछ योगी जी ने ये संकल्प ले लिया है कि शायद अगली रामनवमी हम सभी लोग अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम के मंदिर में, राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं है, हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं का विश्वास है, हिंदुओं का प्रेम है, हिंदुओं का भाव है। और उसी प्रेम को, उसी भाव को, उसी निष्ठा को, उसी आस्था को जब मिटाया जाता है, उस पर कुठाराघात किया जाता है, और भारत में सिर्फ 2 से 3% लोग इस विषय पे प्रकाश डालते हैं या कुछ कहते हैं, आज भारत के कितने सारे साधु संत समाज के लोग हैं, अगर वो एक साथ मिलजुल करके भारत के केंद्र से, भारत सरकार से एकदम विनम्र प्रार्थना भी करेंगे या मिलजुल कर एक साथ कार्य भी करेंगे, तो आज जैसी दुर्दशा आपने देखी है मथुरा में, देख लीजिए भगवान श्री राम का जहाँ पे जन्म स्थल था उसके बिल्कुल बगल में कलंक है, आप काशी में देख लीजिए। आज आप सभी भाइयों का धन्यवाद हो, उन सभी बजरंगियों का धन्यवाद हो कि अयोध्या से उस कलंक को उन्होंने मिटा दिया 6 दिसंबर के दिन, और आने वाले समय में काशी से और मथुरा से भी वो कलंक मिटेगा, भारत हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को एकजुट होकर के मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। मैं बहुत साल में 3-4 बार अयोध्या आती रहती हूँ, दर्शन करती रहती हूँ, जब मैं देखती हूँ भगवान श्री राम लला को, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि जगत के नायक, जगत के पिता, जगत के परमेश्वर, जिन्होंने हमें जन्म दिया,
किया। हम बड़े बड़े आलिशान घरों में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, और मेरे प्रभु श्री राम छोटी सी तिरपाल में रहते हैं। भगवान की वो तिरपाल भी बदलनी हो तो 20 बार 25 बार परमिशन लेनी पड़ती है। इतना दुख, इतनी तकलीफ होती है कि भारत में रह करके भी हमें कभी कभी लगता है कि हम भारतवासी हैं भी कि नहीं। ये वही क्या भारत देश है जिसकी परिकल्पना प्रभु श्री राम ने की होगी, स्वामी विवेकानंद ने की होगी, महाराणा प्रताप ने की होगी, शिवाजी महाराज ने की होगी। आज उस भारत में रहकर के भी, भारत में रहकर बहुत सारे लोग तो उस धुन में बह जाते हैं कि कोई बात नहीं, आपस में सब भाई भाई मिलजुल करके रहेंगे। सेकुलरिज्म का ऐसा बुखार चढ़ा है लोगों को कि लोग जब भी विधर्मियों के कोई त्योहार आते हैं, ईद आती है, बड़े बड़े पोस्ट बना करके डालते हैं, ईद मुबारक हो, बकरीद मुबारक हो। जैसे ही जन्माष्टमी, दिवाली, होली आती है, इन लोगों के मुंह ऐसे बंद हो जाते हैं, इनके मुंह पे ऐसा टेप लग जाता है, तब उनको धर्म दिखाई नहीं देता, तब उनको संस्कृति दिखाई नहीं देती। भारत के नेता भी ऐसी राजनीति करते हैं कि बस कोई भी त्योहार आया, बस उनको बड़े बड़े फ्लैग्स छपाने हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाने हैं, ईद मुबारक, बकरीद मुबारक हो। लेकिन जन्माष्टमी में किसी मंदिर पे कोई नेता दिखाई नहीं देगा। आप होली के समय में किसी को रंग लगाते हुए कोई नेता दिखाई नहीं देगा। भारत की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है पहले से, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, भारत की संस्कृति सुधरी है। वरना इससे पहले जब भी कोई राजनेता, विदेश से कोई नेता आता था तो लोग उसे ताजमहल दिखाने ले जाते थे, कोई किसी का मकबरा दिखाता था, कोई किसी का मकबरा। भारत के 50 सालों के इतिहास के बाद आज पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा इन 5 सालों में कि कोई प्रधानमंत्री गंगा जी की आरती कराने के लिए विदेशों से नेताओं को लाता है। उसके लिए तो मैं हृदय से साधुवाद दूंगी, हृदय से वंदन करूंगी कि आज एक संतों की बहुत बड़ी टोली संसद में जाकर के बैठी है, और वही संतों की टोली अगर आगे बढ़ी, अगर आगे गई, लोग कहेंगे, अगर मैं ऐसी बातें जब मंच से कहती हूँ ना तो कहेंगे साध्वी जी तो बीजेपी को बिलोंग करती है, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बीजेपी से कोई पीछे से वो नहीं मिल रहा है या कोई फंडिंग मुझे नहीं होती है कि मैं किसी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। मैं धर्म और संस्कृति के लिए इस राष्ट्र पे आई हूँ, अपने देश और धर्म को चलाने के लिए, भगवान के पद चिन्हों पे चलने के लिए आई हूँ। हमारा काम है जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः ताकालम महादुखम तस्मात जागृही जागृही। इस दुनिया में लोगों को जगाने के लिए हम आए हैं, हमारा काम है। पोस्टमैन होता है ना, जैसे वो पोस्ट पहुंचाता है, तो हम भी आप लोगों को एक पोस्ट पहुंचाने के लिए आए हैं। यहाँ पे भगवान ने जो पोस्ट हमें दिया है, जो संदेश हमें दिया है, वो संदेश देने के लिए आए हैं। लेकिन सत्य क्या है, सही क्या है, वो बताना हमारा धर्म है। राजनीति, राजनीति के मोड़ से हट करके राजधर्म की ओर आ रही है, उसकी मैं प्रशंसा करूंगी। लेकिन पूर्णतः राम राज्य उस दिन आएगा जिस दिन मैं लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से ये सुनूंगी कि इस स्थिति को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। और दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी सुनना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष से गौ वंश हत्या को पूर्णतः बंद किया जाए, जैसा योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबको इतने बड़े बड़े शौक दिए हैं, सारे बूचड़ खाने बंद करवाए। एक संत तो यही कार्य करेगा, क्योंकि संत के हृदय में प्रेम है, ममता है, वो जानता है गांव विश्वस्य मातरः, गौ माता केवल हमारी ही नहीं संपूर्ण विश्व की माँ है। हमारी माँ दूध पिलाते समय ये नहीं देखती कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कभी ये नहीं कहती कि इस मुसलमान के घर में मेरा दूध मत पहुंचाना या इस ईसाई के घर में मेरा दूध मत पहुंचाना। लेकिन शर्म नहीं आती उन दुष्टों को, उन पापियों को, उन दुराचारियों को, उन पतितों को जो मेरी माँ को काटते हैं, गौ माता की हत्या करते हैं। आज ये भारत भूमि जिसकी तुलना किसी भी देश से कहीं से भी कैसे भी नहीं की जा सकती, आज ये वो भारत भूमि। और आपका उत्तर प्रदेश तो इतना आप भाग्यशाली हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, भारत के सारे तीर्थ भगवान ने यहीं दे दिए हैं, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, काशी हो, सारे तीर्थ भगवान ने, और दुनिया की सब सुंदर पावन नदियां भी आपके क्षेत्र में ही दे दी है। तो आप तो बहुत ही पवित्र आत्मा कोई होंगी जो जन्म लेकर के यहाँ पे आई। लेकिन कहते हैं ना कि भारत में बहुत सारी ऐसे रावणों के, रावण भी बहुत अच्छा था वैसे तो, रावण का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत से राक्षसों के वंशज भी आपके उत्तर प्रदेश की धरती में कहीं ना कहीं से घूम फिर कर के आए। लेकिन कहते समय के साथ सबको उनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जो जैसा करता है उसका फल। देखिए गीता में एक श्लोक है, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति अवश्यमेव भोक्तव्यम कृ
नभुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतेर। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे अभी कि भारत की जो पहचान है वो भारत की संस्कृति के माध्यम से है। तो भारत के संस्कार कैसे होते हैं? मातृदेव भव, पितृदेव भव। लेकिन भारत के युवाओं को आज अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते। आपके ही उत्तर प्रदेश के एक महान युवा थे जिनको कुछ संस्कारों की कमी रह गई थी। हमारे भारत में राम जी आए, पिता ने कहा वनवास जाना है, माँ ने कहा वन की तैयारी करो, भगवान श्री राम ने हंसते हंसते कह दिया पिता दीन होई कानन राजू। राम जी ने कहा कि पिताजी जानते हैं कि राम इस छोटी से अयोध्या का राज्य लेकर के क्या करेगा, तो बहुत बड़े से वनवास का राज्य मुझे समर्पित कर दिया। हंसते हंसते राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में उनकी माता ने कहा बालुष्मत नाथ मान मल्ली स्त्री कर्म समर्थम, तू जा भगवान की तपस्या कर, तपसो रात्रि पुरुषम तस्मै वानु ग्रहण में। ध्रुव जी महाराज बिना अपनी माँ को कुछ बोले वन में चले गए भगवान की तपस्या करने, अपने पिता की आज्ञा मान करके। तो यहाँ पे धर्म ये होता है कि पिता की आज्ञा मानो, माँ की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानो, उनके वंश की। तो ये सब चीजें तब होंगी जब माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे, माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पे लेकर के आएंगे, माता पिता अपने बच्चों को शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, विवेकानंद, राम, कृष्ण, गोविंद, इनके वंश के चरित्र के बारे में सुनाएंगे। और जब ये सारी चीजें होंगी तब बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। थोड़े दिन पहले, आज से कई वर्ष हो गए, आपने सुना होगा, उस समय मेरी कथा भी चल रही थी, गोरखपुर के पास ही गोला बाजार करके शायद जगह है वहां पे। तो मैंने सुना कि बहुत साल हो गए उस बात को कि राम मंदिर के 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगा दी गई। लेकिन जब चुनावी माहौल अभी चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो आपने सुना कि एक पुत्र ने अपने ही पिता को धक्के मार करके जैसे कारागृह में डाल करके राजनीति की सारी चाबियां अपने हाथ में ले ली। मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ भी इस बात की हुई, इस बात की नहीं कि उस पुत्र ने ऐसा किया, इस बात की तकलीफ हुई कि मुझे एक वंश याद आ गया औरंगजेब का, कि औरंगजेब ने अपने ही पिता को मार करके, अपने ही पिता को मार करके उन्होंने, और उनकी पूरी वंशावली देखेगी तो इन सभी ने अपने अपने पिताओं को मार करके कारागृह में डाल करके और राज्य अपने हाथ में लिया था। तो इनके पिता ने अगर अपने पुत्र को राम और कृष्ण की कथाएं सुनाई होती तो ये नौबत नहीं आती, जीवन भर बाबर अकबर और औरंगजेब की कथा सुनाई, इसीलिए आज इनकी दुर्दशा हो। आज भारतवर्ष महान बनता है तो हमारे संस्कारों के कारण, औरंगजेब और बाबर की कथाओं के कारण नहीं। मैं तो इतिहास में से इन सारे पन्नों को फाड़ देना चाहती हूँ। आप अकबर को महान बताते हो, अरे महान अकबर नहीं था, महान तो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने घास की रोटी खा ली लेकिन अपना धर्म अपनी संस्कृति के लिए लड़ते रहे। महान तो गुरु गोविंद सिंह के वो दो पुत्र थे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जिन्होंने दीवारों पे चुनना मंजूर समझा लेकिन कहा श्रेयां स्वधर्मो विगुढ़ा पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, अपने धर्म में मर जाऊंगा, दीवारों पे चुन जाऊंगा लेकिन अपनी संस्कृति को कभी भी बदल नहीं सकता। महान वो है, हमारी संस्कृति हमारे कर्म से, हमारे आचरण से, हमारी चीजों से महान बनती है। और अब समय आ गया है आपको इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, अपनी भारत भूमि को, भगवान श्री राम को, माँ भारती को सम्मान दिलाने के लिए आज आपको शांति से नहीं बैठना है, हाथों में शस्त्र उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार चुनौतियां देता है, पाकिस्तान बार बार हमारे शहीदों का सिर काट करके लेके जाता है, पाकिस्तान बार बार कश्मीर की केसर की क्यारियों में हमला करता है, हमारे कितने फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, हमारे कितने भाई जो अपना घर छोड़ करके गए हैं वो कभी घर वापस नहीं आते हैं, और हम भारत की संसद पे बैठ करके कहते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, बस अब कड़ी निंदा करने से काम चलने वाला नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, युद्ध करना होगा, युद्ध के लिए खड़े होना पड़ेगा और पाकिस्तान को कहना होगा कि करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे, करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे, देखे जितने स्वप्न उसे मिट्टी में मिलाएंगे और कुत्ते तक भी ना जाएंगे, जिन्ना की पहचान पे आपकी भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान। हमसे कहते हैं साध्वी जी बहुत वायलेंट है, बहुत चिल्लाती है, आप दंगे कराने का काम करती। मैं दंगे नहीं कराना चाहती, मैं तो सिर्फ हिंदुओं को जागृत करना चाहती हूँ कि बस अब सोए रहने से और शांति का भाषण देने से कि कोई इस
शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वंदगान करते आए, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके, अब ना रहम की आस लगाना शब्द वेदी चौहान पे, क्योंकि अब की भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बारे में बोलना मुंह की खराबी लगती है, क्योंकि इतना अदरा सा छोटा सा निकृष्ट सा देश है, उसके बारे में क्या बोलना। हमारे भारत की जितनी माताएं हैं सुबह सुबह भोजन बनाती हैं और चावल बनाते समय पानी चावल को धोती हैं, चावल को धोने का जो पानी है अगर भारत की माता वो भी बहा दे तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। तो इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, पर आप लोगों से इतना जरूर कहना है कि एक पाकिस्तान वहां पे है जो रोज हमला करता है, और यहाँ 10 पाकिस्तान हर मोहल्ले में बनते चले जाते हैं, हर मोहल्ले में कह देते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, ये मिनी पाकिस्तान है। सबसे पहले उस मिनी पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा, जब वो मिनी पाकिस्तान ही मिट जाएंगे ना तो ये आतंकवादियों को शरण देने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और ये मिनी पाकिस्तान बनता कैसे है, इन देश के गद्दारों की वजह से, कुछ जयचंदों की वजह से जो भारत में तो रहते हैं, भारत का तो खाते हैं, बजाते पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ यानी ISI का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का दूसरा नाम कह दे तो MIM पार्टी है, जो अपनी हदों को उत्तर प्रदेश तक फैलाना चाहती है। चुनावी मुद्दा आता है उत्तर प्रदेश में, आते हैं बड़ी बड़ी ढींगे हाँक करके चले जाते हैं, कुछ जयचंद उनका समर्थन भी करते हैं। MIM पार्टी के दो भाई दो गीदर लोग उनको कुत्ता कहते हैं, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूं, पर मैं उनको कुत्ता नहीं कहती, क्षमा करना, मैं भारत के कुत्तों का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि कुत्ता भी बहुत वफादार होता है। हाँ, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, जिस घर की रोटी खाते हैं उस घर से वफादारी करते हैं, ये तो ऐसे कुत्ते हैं, खाते भारत की है बजाते पाकिस्तान की है। ये कुत्ते नहीं हो सकते, ये गीदड़ है, गीदड़ समझते हैं, जो अपने झुंड में तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, और जैसे ही दूसरा कोई आता है दुम दबा करके ऐसे अपने बिल में छुप करके भागता है। इन गीदड़ों की हद केवल हैदराबाद के चूहे इनके बिल तक ही हो सकती है, इसके आगे इनकी हद नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, उत्तर प्रदेश में भी आके कह के गया था राम मंदिर बनने नहीं देंगे, अरे वैसे ही तू क्या तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने, और इस राम मंदिर के संकल्प को पूरा ही करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। मैं उनको बहुत हृदय से मानती हूँ, मेरा गुरु स्वरूप भी मानती हूँ, मेरा भाई स्वरूप भी मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है राम मंदिर बनेगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस पावन शासन काल के अंदर ही बनेगा, राम मंदिर बनेगा। हमारे संदीप भैया ने तो बढ़िया लिखा भी है, मंदिर वही बनाएंगे, देखा आपने, बहुत बढ़िया। जरूर आप इन गानों को डाउनलोड करें, बड़ा सुंदर गाते हैं, बहुत बढ़िया है, आप हमारे कथाओं में भी आते रहते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। इन्होंने और भी गाने लिखे, बेघर क्यों राम है, बहुत सारी, वो मैं बहुत बहुत इस मन से इनको शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, और यही कहूंगी भारत में अभी हमारे भैया भी बड़ा सुंदर गा रहे थे, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। संगीत एक बहुत बड़ी साधना है, और संगीत के माध्यम से अगर आप चाहें तो परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल के जो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं वो अपनी साधना को सही दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं। भगवान श्री राम की उस साधना को आगे बढ़ाना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है, चाहे वो कोई कवि हो या कोई महात्मा हो, कोई प्रवचनकार हो या कोई प्रवक्ता हो या कोई सिंगर हो, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ अपनी वाणी में देश धर्म और संस्कृति के प्रति ओझ लेकर के आइए। और मैंने थोड़े दिन पहले गाना सुना था, बहुत बढ़िया बोला था, उत्तर प्रदेश के माहौल को देख करके लगता भी है कि वो, तो मैं आपको बताऊं उस गाने के बोल थे, जाग उठा अगर हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सिर झुका के जय श्री राम बोलेगा। थोड़े दिन पहले ही कथाओं में मैंने ऐसा माहौल देखा कि बहुत सारे लोग टोपी वाले भी भागवत जी को लेकर के जा रहे थे, मैंने कहा शायद राम राज्य की स्थापना का पहला कदम प्रारंभ हो चुका है। तो जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, अयोध्या हमारे प्राण है, हमारा जीवन है, भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे आदर्श है, हमारे हीरो है। आप सभी माताओं से भी, माताएं कम संख्या में है पर फिर भी है, उनसे कहूंगी कि आप बच्चों को संस्कार देने का काम करती है, बच्चों को भगवान श्री
दिखाई देता है कि उन पे दूध चढ़ाया जाता है। आप जो एक्टर ये बातें बताते हैं अपने सिनेमा घरों से, कभी इनकी किसी म्यूजिक लॉन्च पे या किसी फिल्म लॉन्च पे पहुंच जाना, लाखों करोड़ों रुपए की शराब बहाते हैं, लाखों रुपए वेस्ट करते हैं, कभी इनको संतुष्टि दिखाई नहीं देते। भगवान शिव हमारे पिता है, भगवान ने हमें पूरी दुनिया दी, क्या हम उन्हें एक लोटा दूध देने में हिचकिचाएंगे? किसी भी ऐरे गैरे नथु खेरे लुच्चे लफंगे के कहने पे कि शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ या ऐसा मत करो या वैसा मत करो, कभी भी मत करना। मैं कहती हूँ भैया खूब लोगों को खिलाओ, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिल्मों को देख करके और इन हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श मानने वाले लोग। एक माता जी मेरे पास आई, बोले साध्वी जी चलिए चलिए मैं आपको अपने बच्चे का कमरा दिखाती हूँ। मैंने कहा मैया आप तो बड़ी प्रसन्न है कमरा दिखाने में। बोले हाँ मैंने अपने बच्चे के कमरे में बड़ा खर्चा किया। लेके गई अंदर, उन्होंने बताया कि ये पूरा कमरा रिनोवेशन कराने में लगभग 20 लाख रुपए लगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मेरा बच्चा सुपरमैन का फैन है बहुत बड़ा, तो मैं पूरे असली स्टिकर और ये सब लेकर के आई हूँ, मेरा बच्चा बहुत बड़ा सुपरमैन का फैन है। मैंने उनके बच्चे को पास में बुलाया, मैंने कहा बेटा सुपरमैन कौन है? बोले दीदी ये फोटो लगाया ना वो सुपरमैन है। मैंने उसको कहा बेटा ये जो आपका सुपरमैन है ना ये असली का सुपरमैन नहीं है, ये तो कंप्यूटर से सिर्फ उड़ता है, ये असली का सुपरमैन नहीं है। आपकी माँ ने आपको गलत संदेश दिया है, आपकी माँ ने आपको गलत शिक्षा दी है, सुपरमैन ये नहीं है, असली सुपरमैन तो हनुमान जी महाराज थे। एक बार जय श्री राम कही सब जोधन की लंका को पार कर गए, एक बार जय श्री राम कही संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ हाथ में उठा करके लेके आए। तो कौन है असली सुपरमैन? कम से कम अपने बच्चों को सही बात तो बताइए। तो आप आपके बच्चों के आदर्श सुपरमैन और स्पाइडरमैन नहीं होने चाहिए, आपके बच्चों के जो आदर्श है वो राम कृष्ण हनुमान विवेकानंद महाराणा प्रताप ये होने चाहिए। अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को अगर सही मार्गदर्शन पे लेकर के जाएंगे तो राष्ट्र धर्म संस्कृति बहुत आगे जाएगी और फिर कोई बाबर की औकात नहीं होगी कि किसी अयोध्या में आकर के राम मंदिर को गिरा के अपनी बाबरी बना सके। किसी बाबर की या किसी ओवैसी की भी औकात नहीं होगी कि राम जी की स्थली पे आकर के राम जी पे कुतर्क कर सके। मैं देखिए मेरा किसी से विरोध नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी भाई भाई के नारे लगाऊं। कोई कहता है कि साध्वी जी आप दंगे फैलाने का काम क्यों करती हैं, ऐसा मत करिए, आप तो भाईचारा फैलाइए, क्या ये आपके भाई नहीं है? आप तो कहती सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे यहाँ सांप में भी भगवान के दर्शन होते हैं, हम तो सर्प को भी दूध पिलाते हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं इनको अपना भाई बनाऊंगी, गले से लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, मैं इनको भी अपना भाई कहूंगी लेकिन इनको इस मंच पे आना होगा, जनेऊ पहना होगा, माथे में तिलक लगा के जालीदार टोपी निकाल के घर वापसी करना होगा, फिर मैं इनको अपना भाई कहने के लिए तैयार। और मैं आपको बताऊं इन भाइयों को ये पता भी नहीं है, इन भाइयों को तो ये पता भी नहीं है वास्तव में कि इनके असली पुरखे कौन है, इनके असली वंशज कौन है। इनके असली वंशज अगर 5-6 पुस्तें इनकी निकाल करके देखेंगे तो इनकी 5-6 पुस्तों के बाद रमेश सुरेश यही सब नाम आने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ अगर कोई भाई मेरी आवाज सुन भी रहा हो तो वही कहूंगी कि कोई डर के मारन, कोई भय के कारण, कोई लोभ के कारण, कोई धन के कारण अगर धर्मांतरण कर लिया हो तो अभी भी समय है, घर वापसी कर लो, आने वाले समय में भारत तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। बस कहीं ऐसा ना हो जाए महाराज कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए, फिर उसमें मत कहना कि किसी की गलती थी, है ना। समय रहते मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करती, मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगी अब ये मत कह देना साध्वी जी धर्मांतरण करा रही थी मंच पे, हम तो घर वापसी की बात करते हैं, धर्मांतरण नहीं कराते, धर्मांतरण तो ये कराते, एक मुट्ठी चावल दे दिया राइस क्रिश्चियन बन गए, एक पैरासिटामोल की टेबलेट दे दी। झारखंड बिहार के क्षेत्रों में देखिए इतना भयंकर धर्मांतरण किया है, वहां पे हम गए देखा पूरा गाँव का गाँव क्रॉस पहन के घूम रहा है, हमने कहा भैया ये क्या हुआ? बोले कि थोड़े दिन पहले कुछ पादरी आए थे उन्होंने धर्मांतरण किया। हमने कहा कैसे? बोले आए थे और बहुत बड़ा सा टब लेकर के आए उसमें पानी भरा। बोले देखो जिसके भगवान में ज्यादा शक्ति होगी वही भगवान को तुम अपना लेना। तो इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति पानी में रखी, मूर्ति डूब गई, इन्होंने कहा देखो आपके भगवान जी तो खुद डूब गए आपको क्या उबारेंगे। फिर इन्होंने क्रॉस को रखा, क्रॉस तैर रहा था, हमने सोचा क्रॉस में बड़ी शक्ति है, हम सभी ने क्रॉस पहन लिया। हमने कहा एक काम करो भैया शाम को पूरे गांव वालों को बुला के लाओ, सभी साधु संत इकट्ठा होकर के गांव वालों को सब बुला करके बैठाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई पानी की परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है महाराज, अग्नि परीक्षा, बहुत बड़ी सी अग्नि को जलाया गया,
मूर्ति को रखा गया, जैसे सोना आग में तप करके कुंदन बन के चमकता है, ऐसे हनुमान जी महाराज तो चमकते रहे, लेकिन जैसे ही इनके लकड़ी के क्रॉस डाले, सारे क्रॉस धू-धू करके वहीं पर गिर गए। हमने कहा महाराज जो जिंदगी भर खुद लटकता रहा वो क्या खाक आपका उद्धार करेगा। हाँ अभी प्रोग्राम चल रहा है, अगर परमिशन मिली हो 2 घंटे 4 घंटे की और 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा बजा दिया जाए माइक, तो फिर प्रशासन आ जाता है, आपको टाइमिंग तो इतना दिया था, आपका माइक बजेगा, साउंड पोल्यूशन होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इनको हमारे 2 घंटा एक्स्ट्रा माइक बजाने से साउंड पोल्यूशन होता है, 24 घंटे जब इनके माइक चिल्लाते रहते हैं, ना दिन देखते ना रात, तो सरकार को साउंड पोल्यूशन दिखाएगी। और भारत का कोई एक नागरिक अगर ये कह दे कि भैया मैं सो रहा था 5 बजे सुबह, मेरी नींद क्यों खराब की जाती है, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, उसके ऊपर फतवा जारी होता है, मैं 10 लाख दूंगा इसका सिर काट दो। अरे किसने दिया तुमको कोई अधिकार कि तुम इसका गला काट के, और ये फतवा है क्या, इनकी बहन बेटियों की ही ऊपर इनकी सारी चलती है। हमारे यहाँ तो स्त्रियों को देवी का स्वरूप कहा, यत्र नारी पूजंती रमन्ति तत्र देवता। इनकी बेटियां अगर ढंग के कपड़े पहने तो फतवा जारी, इनकी बेटियां अगर गाना गाए तो फतवा जारी, इनकी बेटियां अगर भजन गा दे तो फतवा जारी, तुमने नाम कैसे लिया। इसलिए बहनों को भी कहूंगी आप आओ, हमारे भाई आपको अपनी बहन बनाने के लिए तैयार है, रक्षाबंधन में आकर के राखी बांध दो, आपके ही घर में आपको अपनी बहन बना करके रखेंगे, किसी हिंदू के घर में आपका सुंदर पद्धति से विवाह करेंगे, आपको पूरे दिन बुर्खा पहन करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने पति के सिवा हर पुरुष को सिर्फ भाई कह के संबोधित करना पड़ेगा, या तो इनके भाइयों को भी भाई जान अब्बू जान पता नहीं कितने जान इनके बन जाते हैं। मारा भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन बहनों को सम्मान तो मिला 3 तलाक से, अब उन बहनों को सम्मान मिलेगा। और बहुत सारी बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में आए हैं, और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी बदलने के लिए वो कह रही हैं कि हमें इंसाफ दो। उन बहनों के कानों में अगर मेरी आवाज जा रही है तो मैं उनसे यही कहूंगी कि बहनों अब वो समय आ गया है, राम राज्य की स्थापना का एक कदम तो रख दिया है भारत सरकार ने, अयोध्या में इतनी सुंदर दीपावली को मना करके, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया उस दिन समझ लेना अयोध्या में भगवान श्री राम का स्थापन हो चुका है और भारत में राम राज्य की परिकल्पना प्रारंभ हो गई। बहुत सारी बातें आपसे नहीं कहना है क्योंकि मैं अगर कुछ कहने के लिए आती हूँ तो फिर समय भूल जाती हूँ, मुझे आपसे मैं पहले भी बताया था कोई भाषण या प्रवचन देने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ छाऊ में खड़े होकर के बोल रही हूँ तो इतनी गर्मी है, आप तो वहाँ धूप में बैठे होंगे, कैसा प्रतीत हो रहा होगा, वो भी 11 बजे से बैठे हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, प्रणाम करूंगी, और आप जितने भी लोग हैं ना ये मत समझना कि धूप के कारण आधे लोग चले गए हैं तो संख्या कम हो गई है, आप जितने भी लोग मेरे पास हैं या जितने भी वीर बजरंगी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत माता की एक संतान 1000 संतानों के बराबर होती है, कहते ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वो आप लोग हैं, आप लोग 1-1 लाख के बराबर एक एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे ज्यादा पब्लिक से मतलब नहीं है, जितने लोग आए हैं वो बात सुन करके हृदयस्थ करके और उसको कार्य रूप में परिवर्तित करके जाए यही मेरा मानना है और यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पे आने का। आप सभी से बस इतना निवेदन करूंगी कि जौनपुर की इस पावन धरती को सुंदर बनाइए, स्वर्णिम बनाइए, भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे अपने बच्चों को चलाइए, अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां करिए बनने की, और जितने भी त्योहार आए दिल खोल करके मनाइए, किसी की मत सुनिए कि पानी मत बहाओ, पटाखे मत जलाओ या पूजा मत करो, हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है और हमें हमारी संस्कृति पे गर्व है, हमारी संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है, हमारे यहाँ की माताएं चांद देख करके अपना व्रत तोड़ती है, पति के लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, इनके यहाँ चांद देख करके निर्जीव पशुओं की बलि दी जाती है, हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है और हमें अपनी संस्कृति को बहुत तरीके से मनाना है, किसी भी व्यक्ति विशेष के कारण अपने तौर तरीकों को मत बदलना, अपने आप को मत बदलना, अपनी संस्कृति के हिसाब से चलना, धर्म का पालन करना। अपनी वाणी को विश्राम करने से पहले चाहूंगी एक बार आप सभी लोग जोर से जय घोष करेंगे, है ना, उठाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा हमारे पुलिस वाले भाइयों को देख करके ना मुझे एक बात याद आई, वो जो गीदर जिसकी बात मैं कर रही थी वो कह रहा था कि आप पुलिस को हटा दो 15 मिनट के लिए, फिर बता देंगे हम 25 करोड़ तुम्हारे 100 करोड़ का क्या करते हैं। मैं
वीडियो जब भी देखती हूँ कार सेवा का, तो मैंने बहुत से ऐसे पुलिस वाले बंदों को भी देखा है जो बाबरी मस्जिद को गिराने में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इस मन से आप लोगों को भी मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लोग कहते हैं साध्वी जी आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरे बहुत सारे फेवरेट हीरो हैं और उन कुछ फेवरेट हीरो में से मैं नाम बताती हूँ। पहला फेवरेट हीरो तो वो है जो बॉर्डर में बैठ करके फौजी भाई जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। एक हमारे घर के अंदर इस वर्दी के रूप में, संत के रूप में, क्योंकि ये पुलिस की वर्दी भी किसी संत से कम नहीं है, लोगों की रक्षा करते, सेवा करते, ये सब भी मेरे हीरो हैं। और तीसरे हीरो आप सब लोग हैं जो नॉन यूनिफॉर्म में, बिना किसी यूनिफॉर्म में रह करके देश के अंदर बैठ के देश की सेवा करते हैं। तो आप सभी भाई मेरे हीरो हैं और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग देश और संस्कृति को आगे बढ़ाएं, देश और संस्कृति को आगे लेकर जाए। भाई इतना हाथ आप लोग चाहते हो मैं दोबारा जौनपुर में आऊं? अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जौनपुर में दोबारा आऊं, तो आप मैं जो मांगूंगी वो देंगे? मैंने अभी अभी मैं आ रही थी, देखा 3-4 गाय जो है ना वो कचरे पेटी में रख करके कचरा रखा हुआ था, वो खा रही थी। मैं जब भी कहीं भी जाती मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कार्य करती हूँ एम्बुलेंस गौ माता के लिए निःशुल्क चलाती हूँ, जिसका नाम है गौ सेवा वाहिनी। भारत के हमारे संघ की दृष्टि से जितने भी 40 प्रांत हैं, उन 40 प्रांतों में मैं चाहती हूँ कि ये एम्बुलेंस चले। अभी 40 प्रांतों में तो हुई नहीं है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो अवश्य पूरी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में ऐसी कोई एक एम्बुलेंस की जवाबदारी अवश्य लें।